नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईबी इंडिया न्यूज। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जालौन जिले का कोंच इस समय सुर्खियों में है। इन सुर्खियों की वजह है नगर में होने वाला किन्नर सम्मेलन। यह सम्मेलन 16 मार्च से लेकर 26 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में दूर दूर से किन्नर एकत्रित हुए हैं। इस सम्मेलन का आयोजन करने वाले सलमा बाई नायक ने बताया कि हमारा समाज अपने पूर्वजों की याद में ऐसे सम्मेलनों का आयोजन करता रहा है जिसमें हम अपने इष्ट देव की पूजा के साथ साथ देशवासियों की खुशहाली के लिए भी दुआ करेंगे और 19 मार्च को अपने इष्ट देव भगवान महादेव के मंदिर पर एक बड़ा घंटा भी चढ़ाएंगे और नवरात्रि के अवसर पर देवी माँ के मंदिर पर एक चांदी का विशाल छत्र भी अर्पण करेंगे। सलमा बाई नायक ने मीडिया के माध्यम से प्रदेश की योगी सरकार से अपील करते हुए कहा कि हमारे कोंच में विकास एवं रोजगार के संसाधन उपलब्ध नहीं है, इसलिए प्रदेश के मुखिया से निवेदन है कि हमारे नगर में रोजगार एवं विकास का संसाधन उपलब्ध कराएं जिससे नगरवासी खुशहाल जीवन जी सके। नगरवासी खुशहाल रहेंगे तो उनकी खुशहाली से ही हम लोग भी खुशहाल होंगे। 26 मार्च तक आयोजन उद्देश्य सिर्फ इसलिए है कि नगर की सुख शांति बनी रहे, जो बे औलाद हैं वो औलाद वाले बने हैं और जो बच्चे पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, माता रानी से यही प्रार्थना है कि वो बच्चे पढ़ लिख के नौकरी सर्विस वाले बने। इसी कारण ये नगर की सुख शांति के लिए हो रहा है। यहाँ कलकत्ता, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, लुधियाना सभी जगह से आए हुए हैं। अच्छा, जो आपका बराबर कितने का, इसमें क्या क्या कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं? इसमें होगा अभी कल 19 मार्च है तो कल हमारे यहाँ इष्ट देव हमारे महादेव भोले शंकर को घंटा चढ़ाया जाएगा। भारत के लिए दिख रहे हो आए दिन कितना बवंडर बचा है, कहीं आतंकवादी घुस आते हैं, कहीं कुछ घुस आते हैं, कितने ही बेचारे निर्दोष लोग मारे जाते हैं, है ना। तो ये अमन शांति बनी रहे न शहर हमारे पूरे भारतवर्ष में। सरकार को यही संदेश देना चाहती हूँ कि मेरी ये कोंच भूमि वो तब भूमि है बड़े बड़े ऋषि मुनियों की भूमि है और माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे योगी जी से भी निवेदन करती हूँ, उनसे हाथ जोड़ के नमन करती हूँ, है ना, कि योगी जी मेरी कोंच के पे ऊपर भी थोड़ी बहुत दया दृष्टि बनाए, है ना, मेरे कोंच के लोगों का विकास हो। यहाँ चारों तरफ से रास्ता बंद है, कोई कमाने का जरिया नहीं है, यहाँ खेती किसान वाले लोग। हम आए मौदाहा से, रेशमा। ये अच्छा लग रहा है, हम लोग करते हैं बरसी। बरसी जो हमारे बुजुर्ग ख़त्म हो जाते हैं तो ये बरसी होती है बुजुर्गों की, तो बुजुर्ग बरसी में जुड़ते हैं सारे, हमारे किन्नर समाज हमारे सारे जुड़ते हैं। मीडिया के माध्यम से आपकी सरकार को कोई संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग? संदेश देना चाहते हैं कि बस यही है, अच्छा अच्छा करें, हमारे साथ बुरा ना करें। ये है 10-15 दिन के लिए आए हम लोग, मंगलामुखी कार्यक्रम है, किन्नर सम्मेलन है, हमारे बुजुर्ग जो पूर्वज हैं उनका खाना पीना है, भंडारा भी है, माई का जागरण करते हैं, माई के कलश जलता है, हैं तो इतने दिन हम लोगों को ये करना पड़ता है। मैं आई हूँ भरतना से, मेरा नाम है लक्ष्मी हाजी। तो अभी हमने सुना है कि आपने कभी चुनाव भी लड़ा था? जी हाँ। चुनाव लड़ने में क्या हुआ? चुनाव लड़ी को बाकायदा तीसरे नंबर पे रही। तो आपको नहीं लगता कि सरकार आपके लोगों की कहीं ना कहीं उपेक्षा करती है, आपको राजनीतिक में दखलंदाजी आप लोगों की नहीं लेती है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में क्या कहना चाहें, हम दखल अंदाजी नहीं लेती, लेकिन हम लोग तो चाहते हैं। इसके प्रति यही श्रद्धा भाव है तो हमारे तो बहुत दिन से ये गद्दी पर चली आ रही है, पिछली 7 पीढ़ियों से चला आ रहा हम लोगों का ये कार्यक्रम, तो करते हैं, पहले इतने लोग थे नहीं तो उस हिसाब से होता था, अब बहुत बढ़ गए तो वैसा उस हिसाब से होता है। तो हम लोग सबकी मनोकामना के लिए, बच्चे खुशी रहे आपके, जजमान हमारे अच्छे रहे, फले फूले उनको मिले तो हमको भी मिले, तो हम लोग ये कार्यक्रम रखते हैं। हमारे कोई आस नहीं, औलाद नहीं, जिनके लिए हम जोड़ेंगे बचाएंगे, हम लोग इसी में खर्च कर देते हैं।